आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडिया के कुछ यूनिक ज्वेलरी ब्रांड्स। यू नो, कुछ टाइम पहले तक इंडिया में आपको ज्वेलरी दो ही कैटेगरीज में मिलती थी। एक, अगर आप प्योर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी लेते हो या प्योर स्टोन्स को बाय करते हो, जो कि काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, यानी कि प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस स्टोन्स वाली ज्वेलरी। दूसरी थी इमिटेशन ज्वेलरी। अब इमिटेशन ज्वेलरी कुछ टाइम पहले तक जैसी आती थी, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती थी। वी नो कि उसकी प्राइस इतनी ज्यादा कम है, इसी वजह से वो इतनी पॉपुलराइज हुई। बट स्टिल, अगर 500 रुपए की ज्वेलरी है और उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं है, देन हम लोग 1000 रुपया पे करना ज्यादा बेटर समझेंगे अगर हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिले। सो इस चीज को काफी ज्वेलरी डिजाइनर्स ने इंडिया में नोटिस किया, दैट बहुत से लोग हैं जिनको बहुत मल्टीपल ज्वेलरी पीसेस चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, यू नो, महंगे मेटल्स में, महंगे स्टोन्स में हर ज्वेलरी पीस हम लोग नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों ने प्योर सिल्वर में ज्वेलरी पीसेस को बनाना शुरू किया। अब ये जो डिजाइनर्स हैं, बहुत से मल्टीपल इंडियन ब्रांड्स हैं, होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी होती है, हाथ से बनाई जाती है। डिजाइन सबसे पहले बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं। इनफैक्ट प्योर मेटल्स में जो एक्सपेंसिव हाई एंड ज्वेलरी है, उसके डिजाइन इतने क्रिएटिव नहीं होते जितने आपको इन ब्रांड्स के पास अब मिलते हैं। सो ऑल द पीपल जिन्होंने ब्रांड्स क्रिएट किए हैं वो हाईली क्रिएटिव हैं। क्वालिटी वाइज ज्वेलरी अमेजिंग है, बिकॉज वो प्योर सिल्वर में बनाई जाती है, कुछ केसेस में गोल्ड प्लेटेड भी होती है, सो दैट गोल्ड ज्वेलरी का लुक उसमें आ सके। एंड जो प्राइस है वो इमिटेशन ज्वेलरी जैसी बहुत कम नहीं है, लेकिन प्रेशियस मेटल्स की जो ज्वेलरी है उसके जितनी महंगी भी नहीं है। अफोर्डेबल प्राइसेस है, यानी कि आप अपना एक ईयरली बजट सेट कर सकते हैं और अपने लिए कुछ क्वालिटी में बहुत ही अच्छे 4-5 ज्वेलरी पीसेस हर साल ले सकते हैं। तो वी थॉट हम लोग शॉर्टलिस्ट करें कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, जिनसे आप खरीद सकते हैं, एंड ऑल्सो उनके डिजाइन में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको इनसे चीजों को खरीदना चाहिए। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमें पे नहीं किया है किसी भी ब्रांड ने, ना ही इन्होंने हमें रीच आउट किया है सो दैट हम इनके बारे में किसी भी टाइप की बात करें या प्रमोशन करें। सो दिस इज इंटायरली फ्रॉम आर साइड। वी फाइंड दीज ब्रांड्स रियली नाइस, और वी वॉन्ट कि आप लोगों तक इनके डिजाइन पहुंचे, सो दैट अगर आप 2-3-5 हजार रुपया एक ज्वेलरी पीस पे खर्चा करना चाहते हैं तो आप एक बेहतर जगह पे खर्च करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल्सो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट दिस कंटेंट इन इंग्लिश, यू कैन चेक आउट आवर ब्लॉग, द लिंक टू दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशन इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले है द ब्रांड क्वर्क स्मिथ। आप में से बहुत से लोगों ने इस ब्रांड के एडवर्टीजमेंट को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा। दे आर हाईली प्रमोटिंग देयर ब्रांड और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इनके क्लाइंट रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब क्योंकि वाइडली पॉपुलर है, बहुत सा क्लाइंट बेस है, तो आप इसे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। इस ब्रांड की जो भी ज्वेलरी है सब सिल्वर में बनाई जाती है। कस्टम मेड डिजाइन है, आपको किसी और ब्रांड के पास ऐसे सिमिलर डिजाइन नहीं मिलेंगे। ऑल्सो इनके जो डिजाइन है इनमें बहुत ही ट्राइबल ज्वेलरी का अपील है। आपने से जिन लोगों को ऐसी ज्वेलरी पसंद है, स्टर्डी ज्वेलरी होती है, ट्राइबल मोटिव्स होते हैं, आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग कलेक्शन है अक्षर कलेक्शन, जिसमें वर्ड ज्वेलरी है, यानी कि स्पेसिफिक वर्ड्स को या कुछ मंत्रास को उन्होंने मेटल पे कार्व करके बनाया है। इनकी ज्वेलरी पीसेस की रेंज काफी वाइड है, आपको कार एक्सेसरीज इसमें मिल सकती हैं, कार में जो हैंगिंग्स होती हैं, देन एंकलेट्स आपको मिल सकते हैं, टोरिंग्स मिलती हैं, फ्रॉम ब्रेसलेट्स टू नेकलेस टू इयररिंग्स। इनकी ज्वेलरी की रेंज बहुत वाइड है, आपको हर टाइप का ज्वेलरी पीस यहाँ मिल सकता है। ऑल्सो इनके कुछ ईयर कफ्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड कार हैंगिंग्स भी, सो यू कैन चेक इट आउट। हर ब्रांड का जो वेबसाइट का लिंक है या इंस्टाग्राम का लिंक है जहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है सिल्वर। फॉर दोज ऑफ यू जिनको पसंद है स्टोन्स में ज्वेलरी, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स में आपको ज्वेलरी पीसेस पसंद है, आप इस ब्रांड को विजिट कर सकते हैं। इनकी खासियत ही यही है, इनके बहुत से डिजाइन हैं जो कि मिनिमल है, यानी कि कम डिटेल रहती है उसमें, बहुत कम एलिमेंट्स हैं, सिंपल डिजाइन्स हैं, लेकिन स्टोन्स के साथ बनाए गए हैं। जिनके पास, जिनको स्टोन्स का शौक है, आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं इनकी कलेक्शन में। और इनकी ज्वेलरी में बहुत ही डिज्नी फेरीटेल लाइक अपील है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके जो डिजाइन्स हैं उनमें काफी स्वर्ल्स को यूज किया गया है, काफी थिन लाइन्स, इंट्रिकेट लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, मिनिमल डिटेल्स हैं, बहुत ही डेलिकेट और फेमिनिन लुक है इनकी ज्वेलरी में। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको स्टोन्स पसंद है, जिनको डेलिकेट ज्वेलरी पीसेस पसंद है, या एवरीडे ज्वेलरी पीसेस की तलाश में है आप
इस ब्रांड को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शाइल। शाइल अगेन, इनकी एडवर्टीजमेंट्स बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं। आप में से बहुत से लोग ने इनकी एड्स को देखा होगा। ये ब्रांड हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी आपको ऑफर करता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सिल्वर की क्वालिटी किस तरीके की है। आपको बढ़िया क्वालिटी में सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पे मिलेगी। अगेन, अगर आप इस ब्रांड के डिजाइन देखेंगे तो आपको डिफरेंट कलेक्शन यहाँ पे मिलेंगी। आपको ट्राइबल ज्वेलरी से इंस्पायर्ड मोटिव्स देखने को मिलेंगे, कुछ फन एंड क्वर्की डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। यू नो, इनकी क्रिएटिव अप्रोच काफी वाइड है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल या ट्राइबल ज्वेलरी में ही इनकी एक्सपर्टीज है, बट ऑल्सो इनके डिजाइन काफी ज्यादा मॉडर्न है। यू नो, यू विल सी मोर फन डिजाइन यहाँ पे। जिन लोगों का क्वर्की या आर्टसी टेस्ट होता है वो लोग यहाँ से ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। सेम लाइक द फर्स्ट ब्रांड जिसकी बात हमने इस वीडियो में की है, क्वर्क स्मिथ, उनकी तरह ही इनका जो क्लाइंटल बेस है बहुत ह्यूज क्लाइंटल बेस है। सो यू नो, इन चीजों से आपको पता चल जाता है कि ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। सो इफ इट्स फर्स्ट टाइम कि आप ऑनलाइन ज्वेलरी ले रहे हो तो इन ब्रांड्स से आप खरीद सकते हैं। आपको इनके पास प्योरली ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस भी मिलेंगे, जैसे कि नजर बट्टूज हैं या सक्काज हैं, तो ऐसे टाइप की ज्वेलरी पीसेस को भी ये ब्रांड क्यूरेट करता है। नेक्स्ट है नियाशी। प्रीवियस हमने जितने ब्रांड्स की बात की है उनसे डिफरेंट है ये ब्रांड। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी बनाते हैं, मॉडर्न ज्वेलरी बनाते हैं। इनके डिजाइन्स की शेप बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मिनिमल है, यानी कि लेसर लाइंस हैं इनके डिजाइन्स में, बहुत इंट्रिकेट नहीं है। बट हाँ, इनकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो टू द पॉइंट है। ऑल्सो ये दो कंट्रीज में डिलीवर करते हैं, इंडिया एंड नेपाल। सो यहाँ पे आप इनके डिजाइन देख रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने वर्सेटाइल डिजाइन हैं। इनको आप एक बेसिक कुर्ता सेट के साथ भी पहन सकते हो, साड़ीज के साथ पहन सकते हो, इवन विद योर कॉकटेल ड्रेसेस आप इनको स्टाइलाइज कर सकते हो। सो इस तरीके के जो डिजाइन होते हैं, जो आप उनको एक बॉक्स में फिट नहीं कर सकते कि हाँ लिमिटेड है कि सिर्फ एक कुर्ता के साथ या ड्रेस के साथ ही अच्छा लगेगा। वी ऑल वॉन्ट ज्वेलरी पीसेस जिनको हम ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ पहन सके। सो इस तरीके के ब्रांड को आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरीज ऑफ नोमैड। इस ब्रांड की खास बात यह है कि इसके जितने भी डिजाइन है ये आपको रिलेट कराएंगे, आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेंगे पुराने जमाने के साथ। इट विल रिमाइंड यू ऑफ द टाइम्स, आपके ग्रैंड मदर के टाइम की जो ज्वेलरी है या उस टाइम के जो भी ब्राइडल पिक्चर्स आपने देखे होंगे, उस तरीके की ज्वेलरी ये लोग बनाते हैं। सो बेसिकली ये सिल्वर को बीट करते हैं, बहुत टाइम तक उसे बीट किया जाता है जब तक वो बहुत पतली और थिन नहीं हो जाती। देन उसके स्ट्रिप्स को काट के डिफरेंट शेप्स में बेंड किया जाता है, मोल्ड किया जाता है इनटू इयररिंग्स, इनटू नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, ऑलमोस्ट हर चीज में। ये काम करने की जो टेक्निक है इंस्पायर्ड है कि जिस तरीके से ज्वेलरी पुराने जमाने में बना करती थी। अभी भी अगर आप कुछ रूरल एरियाज में जाएंगे जहां पुराने जमाने के हिसाब से जो सुनार होते हैं वो लोग ज्वेलरी बनाते हैं, यू विल सी सच मोटिव्स एंड डिजाइंस। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको ओल्ड स्कूल चीजें पसंद है, पुराने टाइम की चीजें पसंद है, आप इस ब्रांड को ट्राई आउट कर सकते हैं। आपको इनके पास माथा पट्टीज, चांद बालीज, इयररिंग्स, नेकलेसेस, ऑलमोस्ट हर टाइप का ज्वेलरी पीस मिल जाएगा। ऑल्सो इनके जो ज्वेलरी पीसेज हैं उनमें कुछ कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स को भी स्टड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। इनके ब्रांड का दूसरा सेक्शन है टेक्सटाइल ज्वेलरी का, जहां पे आपको टेक्सटाइल यानी कि कपड़े से बने हुए फ्लावर्स और बर्ड्स जो हैं उनको आपस में पिरो के ये लोग जूड़ा पिंस बना रहे हैं, हेयर पिंस बना रहे हैं, हेयर एक्सेसरीज हैं। यू कैन सी बहुत ही फाइन तरीके से फैब्रिक फ्लावर्स एंड जो भी शेप्स इनके ज्वेलरी को बनाने में यूज की जाती है, दे वेरी फाइन। नेक्स्ट है हाउस ऑफ आद्या। एक चीज जो इस ब्रांड को बाकी ब्रांड से अलग बनाता है वो है इस ब्रांड की क्रिएटिव रीच। बाकी ब्रांड से एक स्टेप आगे है इनकी क्रिएटिव अप्रोच। अगर आप इनके डिजाइन्स को देखेंगे तो ना सिर्फ डिजाइन वाइज वो बहुत अपीलिंग है, बट ऑल्सो उनमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया है इन्होंने। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनके इत्र पेंडेंट को देखेंगे तो देखने में भी ये पेंडेंट बहुत अच्छा है, प्लस इसमें एक फंक्शनल फीचर भी है। इस पेंडेंट के अंदर आप कोई भी छोटी चीज को स्टोर कर सकते हो, मे बी समथिंग जो आपके लिए बहुत प्रेशियस हो या मेमोरेबल हो। ऑल्सो आप इसके अंदर अपने फेवरेट सेंट की फ्यू ड्रॉप्स को भी डाल सकते हैं सो दैट इट स्टेज विद यू फॉर द होल डे। तो ये जो फंक्शनैलिटी का एक फीचर है डिज़ाइन में ऐड किया है, दिस इज समथिंग जो इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स में है। इस ब्रांड ने मास्टर कर लिया है ऐसे ज्वेलरी पीसेस को बनाने में जो कि रिवर्सिबल हैं। आप यहाँ पे ये जो नेक पीस देख रहे हो, इट्स अ रिवर्सिबल ज्वेलरी पीस। सो यही एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ क्रिएटिविटी है जो इसे बाकी ब्रांड से अलग बनाता है, एक्सक्लूसिव बनाता है। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इस वीडियो में बताए गए जो भी ब्रांड्स हैं इनमें से हमने हर ब्रांड से शॉपिंग नहीं की है, सो वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली इनका प्रोसेस क्या होगा और एक्चुअली आपका एज अ कस्टमर इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होगा। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव ट्राइड दीज ब्रांड्स,
प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी तरफ से बहुत ही वाइजली ऑर्डर्स को प्लेस करें, मॉनिटर ऑल द स्टेप्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें, इनके कस्टमर केयर से बात करें बिफोर यू फाइनलाइज योर ऑर्डर।